वी ऑल नो दैट वॉट इज ऐसे राइटिंग. हम क्लास थर्ड या फोर्थ से ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, राइट? ऐसे राइटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है जिसमें आप अपने मन से अपने ओन व्यूज़ रख सकते हो. ये कितने पैराग्राफ में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ये तो आप सबको पता है कि 3 or more पैराग्राफ्स आप इसमें लिख सकते हो. इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं होती कि आपको सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है या में इसमें कोई फॉर्मेट है. इसमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे आपको ध्यान में रखकर हमेशा ऐसे लिखना होता है. तो इनका जो मेन फॉर्मेट है लिखने का, फॉर्मेट इन द सेंस जो इसके मेन पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखकर लिखना है, मैं वो बताती हूँ. और उसके बाद आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर एक ऐसे भी करवाऊंगी, ठीक है? सो लेट अस सी दैट कौन से पॉइंट्स हमें अपने दिमाग में रखना है वाइल राइटिंग ऐसे. एंड ऐसे शुड होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर. स्टार्टिंग उसकी ऐसी होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला है उसका इंटरेस्ट आपकी तरफ आ जाए, ना कि ऐसा हो कि जो बिल्कुल वो स्टार्टिंग ही ऐसी हो कि उसको पढ़ते साथ ही ये लगे कि हटाओ, वो वहाँ पर ही मार्क्स काट देगा एग्जामिनर. क्योंकि ऐसे काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो आपको ऐसा इम्प्रेसिव लिखना है कि स्टार्टिंग वर्ड्स ही आपके ऐसे होना चाहिए कि जो रीडर है उसका मन मोह जाए. सेकेंड पॉइंट इज एन ऐसे शुड कंसिस्ट ऑफ अ गुड इंट्रोडक्शन फॉलोड बाय सेवरल पैराग्राफ्स एलेबोरेटिंग ऑन ईच ऑफ द डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ द टॉपिक. सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये नहीं करना है कि आपको अगर 3 पैराग्राफ बनाना है तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में भी उसी चीज़ की बात की, दूसरी में भी आप उसी को बढ़ावा दे रहे हो और तीसरी में भी आप उसको ही बता रहे हो. नो, नॉट एट ऑल. ये एक लॉन्ग कॉम्पोजिशन होता है जो एक गिवन सब्जेक्ट के बारे में लिखना होता है, जहाँ पर आप एक इंसान की अपनी खुद की व्यूज़ पेश करते हो. तो उस व्यूज़ में आपको जब 3 पैराग्राफ लिखने का मौका मिला है तो आप उसमें सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में नहीं लिखते जाओगे, ठीक है? आप उस सब्जेक्ट की अलग अलग चीज़ों को डिफ़ाइन करोगे, किस तरीके से करोगे, वो आपका डिफरेंट आइडियाज़ बताना चाहिए कि आप किस तरीके से उसे एलेबोरेट कर सकते हो. थर्ड पॉइंट, एन ऐसे शुड ऑलवेज एंड विद अ गुड इम्पैक्टिंग कंक्लूजन. अ गुड एंडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज अ गुड बिगिनिंग. जिस तरीके से हम गुड स्टार्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन बीच में अगर हम सोच रहे हैं कि अरे अब तो ये बहुत बड़ा लिखना है हमें, हम क्या करें, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं आना चाहिए. आप लोगों ने देखा जिस तरीके से एक रिपोर्टर होते हैं, एक चीज़ को किस किस तरीके से वो बताते हैं, और उसी तरीके से जब आप किसी चीज़ को इंटरेस्टिंग बना रहे हो तो उसकी एंडिंग भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए. जैसे कि आप मूवी देखते हो, मूवी आप लोग किस तरीके से देखते हो कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी होना चाहिए लेकिन उसका कंक्लूजन भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, एंडिंग भी इतनी अच्छी होना चाहिए कि आप लोगों को ये लगे कि वाओ दिस इज़ कॉल्ड अ मूवी. इसे मूवी कहते हैं. क्या मूवी है, क्या स्टार्टिंग है, क्या एंडिंग है, समथिंग लाइक दैट. ओके, देन फोर्थ पॉइंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट बिफोर अटेम्प्टिंग टू राइट एन एसे वन शुड प्लान इट वेल. अब लिखने से पहले हमेशा आप टॉपिक देखो. सबसे पहली चीज़ टॉपिक देखकर अपने माइंड में आपको उस चीज़ को बनाना है. पहले आपको उसका प्लान बनाना है कि आप किस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको एक एट द स्पॉट एक टॉपिक दे दिया और मैंने कहा कि चलो बताओ आप लोगों को इससे आपको क्या पता चलता है, तो आप 1 second 2 second एटलीस्ट लोगे ना सोचने के लिए. तो आपको सबसे पहले एक रफ आइडिया बनाना है अपने माइंड में, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करोगे. ये नहीं कि आपने टॉपिक देखा उसके बाद आप पेन लेकर बैठ गए उसके बाद आप बस सोचे जा रहे हो. पहले आप उसका एक रफ आइडिया बनाओगे अपने दिमाग में. अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन. जिस तरीके से मैंने बताया कि आप कोई भी चीज़ को रिपीट नहीं करोगे, बार बार उसी चीज़ के बारे में रिपीट नहीं करना है. द स्टाइल शुड बी सिंपल येट फॉर्मल एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेट. स्टाइल कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, और इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर होगी तो आप जो लिखना चाह रहे हो एग्जामिनर को यही नहीं समझ में आएगा कि आप लिखना क्या चाह रहे हो, राइट? उसका कुछ मीनिंग हो सकता है कुछ और ही निकल जाए. देन एसेज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स लाइक नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, इमेजिनेटिव एंड फैक्चुअल.
हाँ, ऐसे सिर्फ एक ही टाइप का नहीं होता कि आपको एक टॉपिक दे दिया, आपने लिख दिया, वो अलग अलग काइंड्स का हो सकता है। हो सकता है वो नरेटिव लिख रहा हो सकता है वो डिस्क्रिप्टिव हो, जो आपने देखा है आप वो लिख रहे हो, आप इमेजिन करके कोई चीज़ लिख रहे हो, या वो फैक्चुअल है, ठीक है, इस टाइप का कोई भी ऐसे हो सकता है। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि ऐसे है कौन से टाइप का, उसके अकॉर्डिंग आप लिखना स्टार्ट करोगे अपना टॉपिक। ऐसे कैन बी रिटन ऑन एनी टॉपिक लाइक द लाइफ ऑफ अ ग्रेट मैन और एनी कॉमन सोशल इशू और इवन ऑन इमेजिनेटिव टॉपिक, ठीक है, जो अभी अभी मैंने पहले बताया। एंड द लास्ट इज वी कैन इंक्लूड सूटेबल प्रोवर्ब्स और कोटेशन इन अ एसे, और जो हम मुहावरे वगैरह यूज़ करते हैं ना, कहावतें, हम वो भी इससे, ये जो प्रोवर्ब्स और कोटेशन होते हैं ना, इससे जो हमारा ऐसे है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बन जाता है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उस पर, किस आपके एग्जामिनर पे, वो पढ़ने से और वो चेक करने में एक इंटरेस्ट आ जाता है, जिसके वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक करवाती हूँ, जिसका नाम है एजुकेशन फॉर गर्ल्स। ये टॉपिक हर किसी को बहुत पसंद होता है। क्यों पसंद होता है? क्योंकि ये हमारे माशरे के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेशन फॉर गर्ल्स, तालीम लड़कियों के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। लेट अस सी। ओके, सो स्टार्टिंग विद एजुकेशन फॉर गर्ल्स, तो सबसे पहले की पॉइंट्स देखिए इसके। सबसे पहले आप, जैसे ही आपने पढ़ा एजुकेशन फॉर गर्ल्स, कुछ आया आपके दिमाग में? हाँ, जैसे कि गर्ल्स पोजीशन इन द फैमिली, सबसे पहले लड़कियों की पोजीशन क्या है उनकी फैमिली में। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, लड़कियों को बराबरी का अपॉर्चुनिटी हर स्टेज में मिलना चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है, और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गर्ल्स इन द सोसाइटी, और लड़कियों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स सोसाइटी वो क्या है, वो कितना महत्वपूर्ण है। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट पैराग्राफ, किस तरीके से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं देखिए। गॉन आर दोज डेज व्हेन अ गर्ल वॉज एक्सपेक्टेड टू रिमेन ओनली इन द किचन, कुक एंड लुक आफ्टर द हाउस। टुडे गर्ल्स हैव स्टेप्ड आउट ऑफ देयर हाउस एंड हैव प्रूव्ड दैट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग ऑल द वर्क दैट अ बॉय डज। वुमेन टुडे आर नॉट जस्ट डूइंग हाउस होल्ड चोर्स बट ऑल्सो अर्निंग फॉर देयर फैमिलीज। ओके, सो इसमें क्या बताया है कि जो पुराने दिन होते थे उन ज़मानों में लड़कियों का काम सिर्फ कितना था, सिर्फ खाना बनाओ, काम करो, घर देखो, घर संभालो। लेकिन आज लड़कियों ने घर से बाहर कदम रखकर ये चीज़ को प्रूव कर दिया कि लड़कियां लड़कों से के बराबरी में वो हर वो काम कर सकती हैं जो लड़के भी कर सकते हैं, और आज लड़कियां अपने घर के काम के साथ साथ पैसे भी कमा कर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। इंटरेस्टिंग, फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड पैराग्राफ, नॉलेज इज पावर। नॉलेज क्या है? एक पावर है। इंफॉर्मेशन इज लिबरेटिंग। इंफॉर्मेशन इंसान को आज़ाद ख्याल बना देती है, राइट, उसे ये बताती है कि हाँ हमारी क्या एक इम्पॉर्टेंस है, हमारा इम्पॉर्टेंस क्या है। एजुकेशन इज़ द प्रमाइसिस ऑफ प्रोग्रेस इन एवरी सोसाइटी इन एवरी फैमिली, सैड द फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान। अनफॉर्चुनेटली गर्ल्स इन आवर कंट्री हैव बीन डिस्प्रीव्ड ऑफ इट्स लार्जली। द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज 64.46%, while the male literacy rate is 82.14%. Even today in our society, there is a preference for a son over a daughter. Girls are treated as burdens. They are not given equal opportunities of education and career. In rural areas, girls are married off at a very early age and are not sent to school. Because of lack of education, a girl remains ignorant of many things and she is exploited in the society. Without education, a girl will never be able to fight for her rights. She will remain dependent on others. How can we expect our country to move forward when half of its population is suppressed? देखिए कितना अच्छा सेकंड पैराग्राफ तैयार किया है। इसमें ये बताया है, सबसे पहले तो लिटरेसी रेट क्या है इंडिया का इन 2011 में,
वेमेन का 64.46 था और वहीं पर आदमियों का 82.14 था, यानी आदमियों को कितने ज़्यादा, जो मेल हैं बॉयज़ हैं उनको कितना ज़्यादा सुपीरियर बनाया औरतों के सामने, उन्हें सोसाइटी में इतना ज़्यादा वो कर दिया है कि आप ये कह सकते हैं कि आदमियों को ज़्यादा हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी मिली, औरतों को नहीं मिली। लड़कों को आज भी आप घरों में देखिए ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है कि अरे ये तो हमारे घर का बेटा है, ये तो हमारे ख़ानदान का नाम आगे बढ़ाने वाला है, और लड़कियों को वहीं पे क्या समझते हैं लोग, बर्डन समझते हैं घर का। और एजुकेशन और कैरियर में बराबरी की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी, लेकिन आज आप देखिए लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ आगे हैं हर फैकल्टी में, हर चीज़ में। वो किस तरीके से अपना काम अंजाम दे रही हैं और वो कितनी सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को भी लेकर और हर चीज़ को लेकर, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ टीचर तो मुझे पता है कि लड़कियों और लड़कों की पढ़ाई में कितना फ़र्क होता है। मैं ये नहीं कहती कि सारे लड़के एक से होते हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन दिस इज़ ट्रू दैट लड़कियां पढ़ाई में थोड़ी सी सीरियस होती हैं लड़कों के कंपैरिजन में। और जो छोटे छोटे देहात कस्बे हैं आज भी वहाँ पे लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है और उन्हें स्कूल वगैरह नहीं भेजा जाता, और पढ़ाई की कमी के वजह से लड़कियां अनजान रह जाती हैं अपने समाज में क्या क्या बुराइयां पनप रही हैं उन चीज़ों से, जिसके वजह से उन्हें हर जगह एक्सप्लॉइट होना पड़ता है। बिना एजुकेशन के लड़की कभी भी अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती, सीधी सी बात है ना, उसे सिर्फ यही सिखाया गया है कि नहीं तुम्हें हर चीज़ बर्दाश्त करनी है, हर चीज़ बर्दाश्त करनी है। क्यों बर्दाश्त करनी है भाई, क्यों बर्दाश्त करनी है? क्या हम लड़की नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? तो अगर लड़की एजुकेटेड है तो उसे ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि अपने राइट के लिए किस तरीके से लड़ना है। लेकिन आजकल ये भी, अभी मैंने कहा ना एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, कि इंसान अपनी लड़ाई के लिए भी गलत चीज़ में, अगर उसे किसी चीज़ का फ़ायदा मिल गया है तो वो उस चीज़ को गलत चीज़ में भी बहुत ज़्यादा ले जा रहा है। तो प्लीज़ सिर्फ सही चीज़ के लिए लड़ो, ना कि गलत चीज़ों के लिए। अगर कोई पावर मिली है तो उसे अच्छी चीज़ में ही यूज़ करो। और हाँ, तो लड़कियों की जो बता रही थी मैं, शी विल रिमेन डिपेंडेंट ऑन अदर्स, वो हमेशा सिर्फ दूसरों पे निर्भर रह जाएगी। और हम अपनी कंट्री को किस तरीके से ये सोच सकते हैं कि हमारी कंट्री आगे बढ़ जाएगी जब हमारे यहाँ पे इतने भेदभाव चलते रहेंगे? जब तक ये भेदभाव चल रहा है हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारी कंट्री जो है एक अच्छी डेवलप कंट्री बन जाएगी? सो देखा आप लोगों ने, फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ से बिल्कुल भी मिलजुल नहीं रहा था। नाउ कमिंग टू थर्ड पैराग्राफ एंड लास्ट एज इट इज़ कंक्लूजन। वुमेन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फुली डेवलप। वी मस्ट वेक अप टू दिस फैक्ट एंड रियलाइज दैट वुमेन्स एजुकेशन रिक्वायर्स ग्रेटर अटेंशन दैन इट रिसीव्ड इन द पास्ट। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ दिस इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू गर्ल्स for girls. To promote education for girls, government should take some serious steps like giving scholarship to the girl child, especially to the ones who are from a poor background. For all the changes that is happening, the most important change that can bring about a reform is transformation in attitude towards women and accept women to be equal participants in the country's progress. बहुत ही सिंपल था कि अब हम क्या कर सकते हैं, सरकार को थोड़ा सा कुछ कड़क स्टेप लेना चाहिए, थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए कि अगर कोई बैकग्राउंड फैमिली से है तो उस घर की लड़कियों को भी स्कॉलरशिप वगैरह देकर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ करें, और जब लड़कियां भी पढ़ जाएंगी तो हमारा जो देश है वो एक वेल डेवलप मुल्क कहलाने लगेगा और बहुत ज़्यादा अच्छी हमारे मुल्क के जो हैं वो हालात बन सकते हैं। होप इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। Thank you. If you like my video, don't forget to subscribe it. Bye.